यूक्रेन की एयर स्ट्राइक में मारी गई रशियन एक्ट्रेस डोनबास में रूसी सैनिकों के बीच कर रही थी परफॉर्म। आइए जानते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच एक रूसी एक्ट्रेस की मौत यूक्रेन के हमले में हो गई है। यूक्रेन की अभिनेत्री ओक्साना शेट्स्की कीव में एक आवासीय इमारत पर किए गए रूसी रॉकेट हमले में मौत हो गई। ओक्साना की मौत की पुष्टि करते हुए उनकी मंडली यंग थिएटर ने एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कीव में एक आवासीय इमारत पर रॉकेट हमले के दौरान यूक्रेन की एक योग्य कलाकार ओक्साना शेट्स्की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार ओक्साना 67 वर्ष की थी। उन्हें यूक्रेन के सर्वोच्च कलात्मक सम्मानों में से एक से सम्मानित किया गया था। उन्हें आमतौर पर यूक्रेन के सम्मानित कलाकारों के रूप में जाना जाता था। जो बाइडेन के पुतिन को इस मामले में युद्ध अपराधी कहने का क्या कारण रहा ये जानते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले से आम नागरिकों पर हुए विनाशकारी असर के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को एक युद्ध अपराधी बताया। उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रूस ने इसे किसी राष्ट्राध्यक्ष का अक्षम्य बयानबाजी करार दिया। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है कि वो पुतिन एक युद्ध अपराधी है। हालांकि ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की ओर से दावा किया गया है कि यूक्रेन में सभी मोर्चों पर रूसी बलों की प्रगति काफी हद तक रुक गई है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन युद्ध में रूसी बलों ने पिछले दिनों में जमीनी, समुद्री और हवाई मोर्चों पर न्यूनतम प्रगति की है और पूर्वी यूरोपीय देश में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेनी बलों के कड़े प्रतिरोध के चलते पूर्वी यूरोपीय देश में लगभग हर मोर्चे पर रूसी बलों की प्रगति काफी हद तक रुक गई है। देश दुनिया की ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ सार समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी समय डिजिटल पर।